बीते दिन रोहतक के पीजीआई काउंसलिंग में हुए झड़प मामले में आज नवीन जयहिंद को उनके निवास स्थान रोहतक के सेक्टर 6 से डीएसपी महेश द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बता दें आज सुबह सुबह डीएसपी महेश ने नवीन जयहिंद को पीजीआई झड़प मामले में गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। राम राम सीएम साहब। सीएम साहब मेरे पे कर ले केस कितने, जेल में चला जाऊंगा परमानेंट। जो आप सोच रहे हो ना कि नवीन जैन जेल की चक्की चलाएगा, जेल की रोटी खाएगा, जेल का पानी पिएगा, मैं तो पी लूंगा, कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन यार जो नर्सिंग की भर्ती है ना, सारी की जांच होनी चाहिए कि के गड़बड़ घोटाला हो रहा है, कितने बार क्या ने भर्ती करने लाग रहे हो, कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है भाई हरियाणा वाले, सुन लियो। और जब थारी अपने हक के लिए नहीं खड़े हो सकते ना, फिर अपने घराए बैठे रही हो तो स्वयं साहब बात ये है। और उप मुख्यमंत्री साहब आप तो कह रहे हैं कि भाई बोले 75% आरक्षण, कौन से उसमें 75% आरक्षण दे दिया? अरे तुम प्राइवेट में 75% की बात करो, अरे सरकारी में 100% बार क्या ना सीट जाने लाग रही। और आज तक कितनी भर्ती हुई है, यो तो बहुत बड़ा घोटाला गड़बड़ लगड़ रहा भाई, यो तो था गया हमारा मामला। कितनी भर्तियां हुई हैं जिसमें कि बाहर के लोग आड़ा लागे हैं। अरे पहले अपना तो अपने बड़का का पेट भर लो, रतिये खा खा के बाहर क्या लाने लाग रहे तुम्हें। तब बोलता क्यों ना मुख्यमंत्री साहब, सवाल है बेरोजगार का मेरा को नहीं हो। अरे उप मुख्यमंत्री साहब बोल लो ना, बासना दे बात ना बना कर, पेट ताई रोटी जाया कर, बाता दे पेट ना भरे। जैन के जेल जानते जया भर्ती में हरियाणा के बड़क लाग गए, मैं गर्व महसूस करूंगा। और सुनो साथियों, सारे भाइयों तक कहूं मैं यह बात, अगर इस सरकार, इस जालिम सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, बक्सा नहीं की तुमने यार, जैन ने कोई टेंशन नहीं है, पहले बतेरे केस ला रखे हैं। और जेल में जाओगे तो क्या बात है, जेल में भी कह दिया आवाज उठाओगे, देख आओगे जेल मंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं। जय बोलेगी उनकी गाड़ी देख सकते हैं। डीएसपी महेश कुमार की गाड़ी में क्यों क्या ना, मैं भी बैठे अपनी भी बोला डीएसपी गाड़ी में बैठे। जय भाई, 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 जय भाई,